नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूज़न किक्की में। और आज मैं आपको लेकर आ पहुंची हूँ सिल्क फैब। जी हाँ, आप ठीक पीछे मेरे एक बहुत ही बढ़िया सा गेट जो है वो दिख जाएगा। ये लगा हुआ है दोस्तों टेंडर पाम हॉस्पिटल के पास, अमर शहीद पथ में। और अगर डेट्स की बात करें, तारीखों की बात करें, तो 20 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक, और टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 8 बजे तक। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ सिल्क फैब में, और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया आपको साड़ियाँ, सूट पीसेस, फैब्रिक, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे ख़ास बात जो इस प्रदर्शनी की है कि हस्तकरघा के ऊपर हाथ से बना हुआ हैंडमेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, और कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो बस चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ। तो जो सबसे पहला स्टॉल है एक नंबर, उसका नाम है गौरी गणेश कोशा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित छत्तीसगढ़ से। तो हम सबसे पहले भैया से उनका नाम जानेंगे। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? इमरान जी। तो इमरान भाई, आपने अपने स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें रखी हैं और क्या आइटम है? हमारे पास सब साड़ियाँ हैं, सब सिल्क की साड़ियाँ हैं हमारे पास। सिल्क साड़ियाँ हैं जी, कोसा सिल्क है, जूट सिल्क है, साउथ सिल्क है, सारी सिल्क की साड़ियाँ हैं हमारे पास जी। तो ये जो आपने अपने हाथ में ये सफ़ेद रख रखा है, ये कौन सा सिल्क है? जूट सिल्क है मैम, पश्मीना प्रिंट पर है, जूट सिल्क है ये जी। क्या कीमत होगी इस साड़ी की? 1250। तो दोस्तों आप देखिए कि ये यहाँ पे एक आपको जूट सिल्क के ऊपर जो है वो साड़ी भैया हमें दिखला रहे हैं, जिसकी कीमत वो करीब 1250 रुपये बतला रहे हैं। उसके अलावा भी इनके स्टॉल में काफ़ी सारी साड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। और कितनी कीमतों से साड़ियाँ शुरू हैं आपके? शुरू मैम 1250 से, बाकी अलग अलग प्राइस तक है, 4000, 5000, 6000 सारी मिल जाएंगी साड़ियाँ जी। तो जैसा कि देखा दोस्तों, आपको भैया ने बताया कि 1200 के करीब रेंज से जो साड़ियाँ स्टार्टिंग है, बाकी जिस तरीके की भी आप साड़ी लेते हैं तो वो 4-5 हज़ार के रेंज में जो है वो जाएंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला स्टॉल है पायल हैंडलूम विकास समिति मध्य प्रदेश का। तो पहले हम भैया से उनका नाम पूछेंगे। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? साबिर शेख जी। तो भैया आप ये बताइए कि आपने अपने स्टॉल पर क्या कुछ चीज़ें रखी हैं? चंदेरी साड़ी है, सूट है चंदेरी, और भी चीज़ें जी। तो एक आध अच्छा चंदेरी सूट पीस हमें दिखाइए जो बढ़िया हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो कि भैया ने एक चंदेरी सूट पीस यहाँ पर निकाल दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बॉटल ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन काइंड ऑफ कलर में है। तो क्या कीमत होगी भैया इस सूट पीस की? जी, इसकी की है डिस्काउंट के बाद है 3800 रुपये। 3800 रुपये जी। तो दोस्तों आप देखिए कि आफ्टर डिस्काउंट भैया बता रहे हैं कि 3800 रुपये का ये आपको सूट पीस होगा। काफ़ी अच्छा और हल्का फैब्रिक लग रहा है। तो क्या ये कपड़ा वगैरह कैसा होता है, बढ़िया होता है जी? इसको बुना जाता है हाथ से मैं जी, हाथ का बुना हुआ जी। हाँ दोस्तों, तो आज जैसा कि भैया ने आपको बताया कि हाथ का बुना हुआ, और भी बहुत सारे पीसेज यहाँ पर लगे हुए हैं, आप एक नज़र देख लीजिए। कितनी कीमतों से सूट पीसेज शुरू हैं आपके पास? जी 3800 से शुरू है। तो लगभग 4000 की रेंज से जो है वो स्टार्ट है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हाथ का काम है, बुना हुआ काम है, हैंडवर्क है, तो कीमतें तो उसी हिसाब से होंगी ही। धन्यवाद। एक और स्टॉल पे मैं आपको लेकर आना चाहूँगी दोस्तों, जहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फैब्रिक और चीज़ें मिल जाएंगी। ये इस तरीके के जो फैब्रिक होते हैं ना, जिनमें आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वगैरह होते हैं, ये बहुत ही पूरा हैंडवर्क है जैसा कि भैया हमें बता रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम है यहाँ पर। क्या कीमत वगैरह होगी बस इतना बता दीजिए हमें। जी जी, तो स्टोल्स वगैरह अगर आप लेते हैं प्योर सिल्क के ऊपर, तो वो आपको 650 रुपये से जो है वो शुरुआती कीमतें हो जाएंगी। और अगर आप दुपट्टे लेते हैं तो वो 1200 के करीब में आपको मिलेंगे। एक नज़र आप देख लो, काफ़ी कलरफुल चीज़ें हैं। जो अगला स्टॉल है दोस्तों, अरिहंत बुनकर सहकारी संस्था मध्य प्रदेश। तो पहले भैया से उनका नाम जानेंगे। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? जी। तो रईस भाई, आप ये बताओ आपके स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें आपने रखी हैं? इसमें साड़ियाँ हैं, सूट हैं, और फैब्रिक भी है, दुपट्टे भी हैं, सारा कुछ हम लोग लेकर आए हैं, फैब्रिक भी लेकर आए हैं जी। तो एक आध अच्छी साड़ी हमें दिखाइए जो आपके हिसाब से जो बढ़िया पीस हो। ये कतान पे आएगा, और हैंडलूम का साड़ी है, कतान सिल्क पर रहेगा ये। दोस्तों आप देखिए कि कतान सिल्क के ऊपर प्योर हैंडलूम की साड़ी, एक बहुत ही बढ़िया एलिगेंट पीस भैया हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। और पूरा ओपन करके अगर आप लोग देखो जी, ब्लाउज पीस के साथ है, ये पल्लू है दोस्तों, ये ऑल ओवर वर्क है, आप देख सकते हो। ब्लाउज पीस प्लेन आएगा इसका। क्या कीमत होगी इस साड़ी की?
12,500 रुपए का। तो आप देखिए दोस्तों कि कतान सिल्क के ऊपर भैया ने एक साड़ी हमें दिखाई जिसकी कीमत उन्होंने बताई 12,500 रुपए, और बहुत ही बढ़िया साड़ी है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। उसके अलावा सूट पीसेस वगैरह आप दो चार दिखाइए कुछ। ये डिफरेंट डिफरेंट बूटीक इस टाइप से, ये मीना कारीगरी के साथ टिशू की साड़ी आएगी इस टाइप, टिशू के ऊपर। इनकी क्या कीमतें होंगी? 18,500 रुपए की रहेगी, फुल टिशू के ऊपर आएगा ये। तो ये क्या पूरा ये हैंडमेड वर्क है? तो एक साड़ी बनाने में लगभग कितना कितने दिनों महीने भर का वक्त लग जाता है? साड़ी बनाना 30 दिन आता है जी। तो दोस्तों देखा जैसा कि आपने भैया ने हमें बताया कि करीब करीब एक साड़ी को बनाने के ऊपर 30 दिन यानी एक महीने का वक्त लग जाता है। तो कीमतें भी उसी हिसाब से मेहनत की कीमत है दोस्तों। आपको ये साड़ी जो है 18,000 रुपए के लगभग में पड़ जाएगी। उसके अलावा भी इनके पास काफ़ी सारे सूट पीसेज और साड़ियाँ हैं। ये साड़ी है, ये भी साड़ी आएगी। कलर वगैरह दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, इस तरीके का वाइब्रेंट भी है लेकिन साथ साथ सटल भी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक इसमें गोल्डन शिमरस काइंड ऑफ इफेक्ट जो है वो भी आ रहा है। कितने की पड़ेगी ये साड़ी? 8,000। अच्छा, आपके स्टॉल में शुरुआती कीमतें कितनी हैं साड़ियों की? 4,500। ठीक है, तो इनके स्टॉल के ऊपर आपको जो शुरुआती कीमतें मिलेंगी वो 4,500 के लगभग में है। थैंक यू सो मच। उसके अलावा दोस्तों आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारी सूट पीसेज एंड साड़ियाँ वगैरह मैं आपको क्लोज लुक दिखा देती हूँ, जहाँ आप आ सकते हैं अपने हिसाब से काफ़ी सारे खूबसूरत जो पीसेज सूट पीसेज साड़ियाँ वगैरह हैं वो ले सकते हैं। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया स्टॉल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और काफ़ी सारे यहाँ पर जो दुपट्टे हैं साड़ियाँ हैं वो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यहाँ पर दिख जाएंगी। और हर जगह का आपका ये महाराष्ट्र का स्टॉल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिसके ऊपर बहुत सारी सूट पीसेज और साड़ियाँ वगैरह हैं। तो करीब करीब इस जो ये मेला है इसमें 50 के करीब जो स्टॉल लगे हैं वो दोस्तों यहाँ पर हैं, और जहाँ पे मुझे कुछ खास कुछ अच्छी साड़ियाँ कुछ अलग दिखेगा वो मैं आपको ज़रूर जो है वो कवर करूँगी और दिखाऊँगी। अगर आप देखें तो ये आपका जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का कलेक्शन भी मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ। ये साड़ी अगर आप देखो दोस्तों कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल इसके ऊपर जो काम किया गया है जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से आपको डे टू डे वेयर के लिए, डेली वेयर के लिए, साथ ही साथ पार्टी के लिए भी बहुत सारी साड़ियाँ जो है वो अवेलेबल। उसके अलावा आपके उत्तराखंड के स्टॉल हैं, बिहार का भी एक स्टॉल है जहाँ पे आप SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो है इस तरीके की साड़ियाँ जो है वो बनाई गई हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो नवज्योति संस्थान की तरफ से आपको जेंट्स के फैब्रिक कुर्ते सदरी ये सारी चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट साड़ियाँ हैं, अगर आप इस वक्त आते हैं तो आराम से आके ख़रीदारी कर सकते हैं, कोई खासा भीड़ नहीं है लेकिन कलेक्शन बढ़िया है। जो अगला स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ, एकता हैंडलूम बुनकर स्वावलंबी सहकारी समिति बिहार से आए हैं भैया, तो पहले उनका नाम जानेंगे। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? जयंत जी। जयंत जयंत जी। तो जयंत जी आप बताइए कि आपने अपने स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें रखी हैं, क्या सामान है? पूरा हैंडवर्क कांता वर्क है, वेस्ट बंगाल का कांता वर्क जी, पूरा हैंडवर्क, और ये तो प्योर सिल्क में आएगा, प्रिंटेड सिल्क, बालीचुरी बंगाल का जो ट्रेडिशनल साड़ी जी 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 वैसा जी। तो आप देखो दोस्तों कि यहाँ पे बिल्कुल हैंडवर्क के ऊपर भैया जो है एक साड़ी दिखा रहे हैं। ये क्या फैब्रिक है, क्या कपड़ा? प्योर मूंगा के ऊपर, मूंगा के ऊपर हाथ का कढ़ाई, हाथ की कढ़ाई है। और क्या कीमत होगी इस साड़ी की? ये वाला आपको होगा 14,500। 14,500 यानी 14,500 रुपये की ये साड़ी आपको मिल जाएगी जिसमें प्योर हैंडवर्क है। अगर आप पीछे से देखें तो थ्रेड वगैरह को कितनी बारीकी से जो है वो यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और कांता के ऊपर जैसा भैया बता रहे हैं काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं, कुछ एक बहुत अच्छे पीसेस भी भैया हमें ला के दिखा रहे हैं जिनके ऊपर ट्राइबल प्रिंट्स मोटिव्स काइंड ऑफ है। एकदम इस साल का जो एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला और बेस्ट कढ़ाई वाला साड़ी है, ये वाला नया बनाया जी। तो दोस्तों आप देखो कि ये एक बहुत ही खूबसूरत जिसपे ऐसा फ्लोरल और बर्ड्स के काइंड ऑफ में जो है वो कौन से धागे का इस्तेमाल किया जाता है? मैम आपको दूर से लगेगा ये पूरा मशीन का काम है, लेकिन ये सब एकदम पूरा हाथ का काम है। तो आप एक नज़र करीब से देखें कि बिल्कुल बारीक हाथ की कढ़ाई है, एंकर थ्रेड के ऊपर जो है हाथ से किया गया काम है। और अगर आप पूरा एक लुक देखें तो इसका पल्लू काफ़ी खूबसूरत है। कपड़ा क्या वही मूंगा के ऊपर है? प्योर मूंगा के ऊपर जी। तो एक साड़ी को तैयार करने में लगभग कितना वक्त लग जाता है? 14 मंथ्स। मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों कि इस खूबसूरत सी साड़ी को तैयार करने में जो है 14 महीने का वक्त लगा है। तो आप देखो कि कितनी बारीकी से और कितनी बढ़िया तरीके से जो है उन्होंने काम किया, और बहुत सुंदर साड़ी है। क्या कीमत है भैया वो बता दीजिए? डिस्काउंट करके मैम 22,000।
22,000। तो इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि ये जी ये जी ये बैक साइड पे ब्लाउज़ के ऊपर भी आपको डिज़ाइन आएगा। 22,000 रुपये की साड़ी है दोस्तों, अच्छी साड़ी है, बढ़िया लग रही है। एक नज़र आप अगर आप देखें तो किस तरीके से ड्रेप करने के बाद काफ़ी खूबसूरत लुक जो है वो उभर के आएगा। हमसे बात करने के बाद बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया। तो इस तरीके से दोस्तों जैसा कि आपको मैंने दिखाया साड़ियों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी खूबसूरत साड़ियाँ, दुपट्टे मार्बल प्रिंट के ऊपर दुपट्टे हैं, फिर आपका इस तरीके का ट्रेडिशनल प्रिंट है, सूट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। थोड़ा अगर आप आगे बढ़ते हो तो कालीन वगैरह भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बढ़िया बढ़िया कालीन है, बांस के ऊपर भी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, हैंडमेड बनी हुई, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं। अगर आप देखो तो कुछ बनारसी साड़ियाँ भी जो हमारे उत्तर प्रदेश की ही, अगर आप देखें और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं उनमें अलग अलग सूट पीसेस हैं, अलग साड़ियाँ हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो भी आपको दिख जाएंगी। तो आप देखो दोस्तों कि यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो दिख जाएंगी। मैं पहले आपको क्लोज लुक दिखा दूँ फिर कीमतों की बात करेंगे। तो यहाँ पे राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जिसकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपये यहाँ पे लिखी हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा अगर आप आगे बढ़ें तो इस तरीके के डेकोरेटिव केटल्स यहाँ पर जो हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, डेकोरेटिव बॉटल्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा अगर आप और बढ़ें तो आपको तृप्ति गुप्ता यूपी का स्टॉल यहाँ पे है, आपको यहाँ पे राधा कृष्ण के बहुत सुंदर स्टैचूज़ मिल जाएंगी। ये पेंटिंग आपको महिलाओं के ऊपर खूबसूरत वर्क जो है, इनका मांग टीका वगैरह जो है वो पर्ल के ऊपर, मोती के ऊपर वर्क किया हुआ है, ये आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आई सिल्क फैब में, जी हाँ, जहाँ पे हस्तकरघा एवं उसकी जो हाथ से बनी हुई वस्तु हैं निर्मित, उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सूट हैं, साड़ियाँ हैं, फैब्रिक हैं, काफ़ी कुछ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शादियों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपना जो टक्सीडो जो आपका कलेक्शन है उसको बनाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यहाँ पर कलेक्शन होने वाला है, आपको ज़रूर आना चाहिए। आपके ट्रूज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। कलेक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार।